इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक वे अंदाजतन करीब 350 साल पुराने पौराणिक नवचंडी मंदिर भी अब विवाद के दायरे में ला खड़ा कर दिया गया है। भू माफिया व कब्जेदारों की नजर कुछ यूं लगी कि कभी सैकड़ों बीघा जमीन में फैले इस मंदिर के पास अब करीब 1600 मीटर जगह ही रह गई है। मंदिर की पौराणिकता बनी रहे यह सवाल ही मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही कब्जे जैसे संगीन आरोपों ने शहर के तमाम मौजूद लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। IG पुलिस को दिए एक प्रत्यावेदन में पुजारी व अन्य ने आरोप लगाया है कि ये मौजूद लोग ही मंदिर की संपत्ति को हड़पने में लगे हैं और इसके लिए उन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में अपनी एक समिति बनाकर पंजीकरण भी करा लिया है। हालांकि उन्होंने इससे पहले ही रजिस्ट्रार को ऐसी किसी कार्रवाई के प्रति सचेत कर दिया था, बावजूद इसके राजनीतिक प्रभाव के चलते पंजीकरण कर दिया गया। जो लोग समिति में हैं वे सभी भाजपा अथवा RSS से जुड़े हुए हैं। आज देवेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस महानिरीक्षक व SSP को प्रत्यावेदन दिया। इसमें कहा गया है कि उनकी पैतृक संपत्ति नौचंदी मैदान में स्थित है, जिस पर उनके पूर्वजों ने माँ चंडी देवी मंदिर का निर्माण कराया था। इसकी देखरेख सैकड़ों साल से उनका परिवार कर रहा है। इस पर देवेंद्र के पिता महेंद्र कुमार शर्मा व उनके परिजन काबिज हैं। राजस्व भू अभिलेखों में भी चंडी देवी मंदिर संपत्ति उनके पूर्वजों की निजी संपत्ति है। आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने मंदिर की समिति में पदाधिकारी बनाने का दबाव बनाया था, लेकिन वे नहीं माने। इस आशंका को देखते ही उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र दिया था कि यदि कोई समिति बनाता है तो उनका पक्ष सुने बिना कोई समिति न बनाई जाए, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते रजिस्ट्रार ने समिति बना दी। इस समिति में आनंद प्रकाश अग्रवाल को अध्यक्ष, नरेंद्र तनेजा उप कुलपति चौधरी चरण विश्वविद्यालय को उपाध्यक्ष, अनिल शर्मा को महामंत्री, संजीव पुंडीर मंत्री के अलावा अरुण जिंदल, विघ्नेश कुमार भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष, करुणेश नंदन गर्ग भाजपा के पूर्व मेयर, हरिकांत अहलूवालिया, देवेंद्र मोहन, हरवीर पाठक, रविकांत भटनागर, विनोद कुमार, संदीप पहल, पूर्व विधायक अमित अग्रवाल, ज्ञानेंद्र कुमार अग्रवाल, अशोक गोयल, पूर्व डिप्टी मेयर, सुशील गुर्जर, रोहतास शर्मा को सदस्य बनाया गया। आइए देखते हैं क्या बताया देवेंद्र कुमार शर्मा ने। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा, मैं एडवोकेट हूँ। एक हमारी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति हमारी पूर्वजों की ज्यादा चली आ रही नौचंदी ग्राउंड में, जहाँ पे चंडी देवी मंदिर स्थापित है। मेला लगता है उसके नाम से, नौचंदी मेला जो लगता है उसी के नाम से लगता है। ये कुछ लोग जिसमें कुछ शहर के पुराने भूमाफिया हैं, उनके साथ कुछ राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों की नियत शुरू से ही कई साल से देख रहा हूँ मैं कि उसके ऊपर कमेटी बनाने के चक्कर में प्रयासरत थे। पहले हमसे अप्रोच भी करा था, हमने मना कर दिया था, भारी आदमी को किसी के लेने की, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति हमारी व्यक्तिगत ही रहेगी। अभी पीछे मुझे ज्ञात हुआ कि इसके अंदर कुछ ये भूमाफिया और ये मिलकर के लोगों ने इसकी एक कमेटी बना ली हमारे मंदिर की, जबकि इनकी कोई मतलब नहीं है। हमारी खानदानी जायदाद है, हम पे पूरी रजिस्टर्ड वसीयत है, रजिस्टर्ड बयान में सब कुछ कागजात हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी ही पूरा घर खानदान हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, 200 साल तक के सब हमारे घर खानदान नहीं देखते आ रहेंगे। लेकिन इन लोगों ने अपने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए, एक पैसे का लालच के लिए, समाज में क्या नाम है, जो आजकल गवर्नमेंट में प्रशासन का साथ ले उसका उसकी मतलब दुरुपयोग करते हुए एक तरह से इन्होंने कमेटी बना ली, और हमें और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मैं IG साहब से मिला हूँ, एप्लीकेशन उनको दिए, शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है मैंने, उन्होंने ADM CT और SP CT साहब को जॉइंट उस पर रिपोर्ट मांगी है और उसमें इंक्वायरी सेटअप की है साहब ने। ये शहर के कुछ इसमें राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग भी हैं, नामी आदमी हैं, वहाँ वेल नोन आदमी है, पहले ही भूमाफिया रहे हैं, आज के तारीख में भी सत्ता की आड़ में भूमाफिया का काम कर रहे हैं। संपत्ति हमारी ये सब दस्तावेज है, मैंने IG साहब को उपलब्ध करा दिएंगे, उस पर उन्होंने जाँच बैठाई है। देखो जी, ऐसा है, ये चंडी देवी मंदिर है, ये हमारे पुरखों का मंदिर है, ये बना हुआ है, बाबा दादा वगैरह सब यहीं से रहते आए हैं। मतलब अब मैं यहाँ का पुजारी हूँ, मैं यहाँ का जो है महंत हूँ, इस वक्त पुजारी नहीं महंत कहिएगा, अब प्रबंधक भी हूँ चंडी देवी का। अब ये कुछ भूमाफिया लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ कब्जा करना चाहते हैं, और मैंने सुना है कि इन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली है, इसकी रजिस्ट्री करा दी अपने नाम, कमेटी बना करके अपने नाम रजिस्ट्री करा दी है। अब ये
मुझे भी धमकी दे रहे हैं यहाँ के, न्यू पंडित तू भग जा, तू तो वैसे ही कब्जा करे बैठा है यहाँ पर, और तू यहाँ का जो सेवादार है तू प्रबंधक नहीं है। ये एलुवालिया जी के शब्द हैं कि तुम सेवादार हो, यहाँ के प्रबंधक नहीं हो। एलुवालिया जी, ये सब कितने लोग हैं जो गुजरे हुए हैं। और अभी एक महीने पहले मुझे ये मारने के पिटाई करने के लिए भी आए थे यहाँ पर, ये मैंने तो चुप होकर बैठ गया, मैंने अब क्या करूँ, मैं नहीं चाहता था। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है, और ये अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो गया, गलत कदम नहीं उठा सकता हूँ मैं। बस मुस्लिम समुदाय जो आप कह रहे हैं मार देंगे आपको, तो मुस्लिम मेरे साथ है, यहाँ के पब्लिक सब मेरे साथ है, वो कह रहे पंडित जी आप चिंता करो हम आपके साथ हैं। मुस्लिम समुदाय आपके साथ? हाँ, मेरे साथ है सारे के सारा, सब लोग यहाँ आते जाते हैं मेरे पास सब लोग, और कह रहे पंडित जी आप चिंता करो हम आपके साथ हैं। इस बारे में आरएसएस से जुड़े आनंद प्रकाश अग्रवाल से फर्स्ट बाइट ने बात की। उनका कहना है कि यह संपत्ति आरोप लगाने वालों की नहीं बल्कि चंडी देवी की है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनका परिवार काफी समय से वहां पूजा पाठ करता चला आ रहा है। मंदिर में रहने वाले लोग चाहते हैं कि मकान आदि बनाकर उन्हें दे दिया जाए, जबकि उनकी प्राथमिकता है कि किसी भी तरह मंदिर की पौराणिकता महत्वता बनी रहे और वहां जैसा कि चंडी देवी की ख्याति है उसके ही अनुरूप वहां विशाल मंदिर बने। वहीं अरुण जिंदल का कहना है कि मंदिर की जमीन पर लगातार कब्जे होते चले आ रहे हैं, इस राष्ट्र धरोहर को बचाने के उद्देश्य से ही उन लोगों ने समिति का गठन किया है, उनका कोई उद्देश्य उस संपत्ति पर कब्जा करने का नहीं है। फिलहाल अब यह मामला जांच के दायरे में चला गया है, बनी रहेगी हमारी इस प्रकरण पर भी नजर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।